कीर्ति मैम, अगला सवाल कौन सा? अगला सवाल है वेक्टर फूड्स पर। वेक्टर फूड्स हमने लिया था 489 एवरेज प्राइस है, और अभी इसका हाई ये गया है 1044 पे। तो जब ये थोड़ा उठने लगा था, मैंने मेजर क्वांटिटीज बेच दी थी उस टाइम, तो अभी बहुत ही कम होल्ड करती हूँ। बट इसमें सवाल है कि इसमें और बढ़ाना चाहिए इस प्राइस पे कि नहीं? ये हम मतलब इससे आप अपनी बात कर रहे हो या आमतौर पे आपकी बोलचाल में रॉयल फीलिंग देने के लिए? हम लखनऊ के हैं तो हम ही बोलते हैं। हाँ, रॉयल टच भी आ जाता है इसमें थोड़ा सा। हम रजत दा, बेक्टर्स फूड, मेरे ख्याल से ये देखिए, इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड अपवर्ड है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी अपवर्ड है, और इंटरमीडिएट ट्रेंड फ्लैट रेंज बाउंड है। तो इसमें बने रहने का ही सलाह दूंगा। इस लेवल पे खरीदारी करने लायक अभी तो कुछ टेक्निकल्स पे आया नहीं, और इसका फंडामेंटल मैं चेक करने का टाइम नहीं मिला तो। बट ये जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, लगता है कि इसका फंडामेंटल तो अच्छा ही होगा। अब जो आपके पास है उसमें बने रहिए, और फिलहाल कोई कारण से ये नीचे की तरफ आता है, मतलब मान लीजिए कि 1000 के नीचे आता है लेकिन ये 900 के नीचे नहीं जा रहा है, उस टाइम पे आप अगर एवरेज करना सोचेंगे तो एवरेज कीजिए और 750 का स्टॉप लॉस लगा के नया पोजीशन पे, और पुरानी पोजीशन जो है उसको रख दीजिए। क्विकली चारू मैम, अगला सवाल आपका। मेरे पास गोल्ड ट्रेडिंग है, गोल्ड के मैंने लॉट्स परचेज किए हैं, 31 लॉट्स हैं, और मैंने उसको 1985 पे पहला लॉट लिया था। उसके बाद एवरेज करते करते लास्ट मेरा जो लॉट है वो 1901 पर भी है। सो अभी लेकिन गोल्ड बहुत नीचे जा रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए? एक तोड़ निकाला, हाँ, एक एक्सपर्ट है HDFC सिक्योरिटीज के कमोडिटीज और करेंसी डेस्क के हेड अनुज गुप्ता साहब जुड़ते हुए। अनुज जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच सास बहू के लिए समय निकालने के लिए और मेरे लिए भी। अनुज जी, सवाल सुना आपने चारू मैम का? जी आशीष जी, जी आशीष जी, बिल्कुल। क्या करें भाई चारू मैम, गिरे जा रहा है आपका सोना। देखिए, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, सास बहू के बीच में सोना आ गया है, तो मुझे लगता है कि जो मोमेंटम है गोल्ड में वो कंटिन्यू रहेगा। हालांकि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा गिरावट आया क्योंकि डॉलर इंडेक्स इंक्रीज हुआ है, बट आई एम श्योर कि जो मोमेंटम है गोल्ड का वो कंटिन्यू रहेगा। मेरी सलाह है कि ये होल्ड करके चले अभी, क्योंकि हमारा ये मानना है कि क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन का डिमांड स्टिल आने वाला है, मैरिज सीजन है, फेस्टिवल है, और एक्सपेक्टेशन ये भी है कि FOMC इस बार इंटरेस्ट रेट शायद ना बढ़ाए, क्योंकि क्रूड के प्राइस नीचे आए हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल है, तो हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में एक अच्छा मोमेंटम गोल्ड में आता हुआ दिखाई दे। तो आई एम श्योर कि इनको होल्ड करना चाहिए, और अगर इनका जैसा कि मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट बाइंग है, तो डेफिनेटली अगर ये ईयर एंड तक होल्ड करते तो आई एम श्योर कि अगेन हम 1950 से लेकर $1980 तक के लेवल गोल्ड में देख पाएंगे। चारू मैम, आंसर सॉल्व हुआ या कुछ और पूछना है आपको अनुज से? नहीं, वो आंसर सॉल्व हो गया, थैंक यू। मैं बिकॉज बहुत कंफ्यूजन था कि कितना लॉस में है, अब क्या करना चाहिए, सो थैंक यू सो मच। अनुज जी, आपका भी धन्यवाद। इस नोट पर कीर्ति मैम, सोनिका मैम, चारू जी, जूही जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, उस प्लेटफॉर्म पे अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। रजत दा, इतने दिनों बाद लौट के आने के लिए, बढ़िया तरीके से सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए आपका भी बहुत धन्यवाद। तो पहला सवाल हमारा है ये इस पे डिशमैन कार्बोजेन MX। ओके, लिया हुआ है कीर्ति मैम की, लेने का मन है। आई हैव 1625 शेयर्स ऑफ डिशमैन कार्गो, एंड ये हम 2020 से इसमें हैं, कुछ पहले प्रॉफिट भी कमाया था, फिर कुछ सेल कर दिया, तो फिर उसके बाद लॉसेस होने लगे, तो काफी टाइम से इसमें है। अभी हमारा जो एवरेज प्राइस है दैट इज 182, और अभी ये चल रहा है 163 पे, तो ये जानना था कि इसमें हम और एवरेज करें कि लॉसेस बुक करें, क्या करना चाहिए इसमें? रजत दा, आपने बढ़िया तरीके से सवाल सुन लिया है।
182 की खरीद, काफी लंबा समय हो चुका है, आज भी 20 रुपए का लॉस हो रहा है, क्या करूं? देखिए इसमें उन्होंने जो लेवल कहा है कि उनका लेने का जो भाव है, मतलब एक्विजिशन प्राइस 182, वही 180 इसके लिए बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस पार करने के बाद ही ये चल सकता है। बट मैं ये कहूंगा कि अगर आपको इसमें से निकल के कोई दूसरी काउंटर लेना है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पिछले बहुत महीनों से दिख रहा है कि इसकी मूवमेंट बहुत रेंज बाउंड हो चुका है, और अभी कोई कारण से 150 के नीचे गिरेगा तो 140 के आसपास इसका जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो टेस्ट करेगा, और वो टेस्ट करने के बाद में नीचे भी जा सकता है। और इसमें अभी ऑसिलेटर के मुताबिक, 14 RSI के मुताबिक यही समझ में आ रहा है कि ऊपर की तरफ मूवमेंट के होने की गंजाइश थोड़ा कम है, तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको बेच के अगर आपने लंबी अवधि के लिए रखना चाहते हैं तो RBL बैंक ले सकते हैं। RBL बैंक बहुत अच्छी परफॉर्म करेगा, जैसा आपका IDFC बैंक ने किया था पहले, उस टाइप का मूवमेंट इसी में भी आने का गुंजाइश है। खुलासा ये कर देना चाहिए कि मैं ये YouTube एज वेल एज माई क्लाइंट्स दोनों जगह पे रिकमेंड किया है, तो वो मेरी तरफ से डिस्क्लोजर है। आई डू नॉट हैव एनी पर्सनल पोजीशंस। बहुत बढ़िया भाई, डिशमैन में मैम रुक के कोई फायदा नहीं है, और उसमें स्टिफ रेजिस्टेंस जोन्स हैं, हमारी खरीद के नीचे के लेवल्स पे बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस है, मुश्किल होगा, एग्जिट करेंगे। और आप चाहें तो रजत दा जो कह रहे हैं इस पैसे को पूरे लॉसेस कवर करें, सॉरी पार्ट प्रॉफिट बुकिंग करें या पूरे लॉसेस कवर करें? रजत दा सारे के सारे स्टॉक्स बेच दूं क्या? आप आधा रखिए, क्योंकि इसमें इतना जबरदस्त सिग्नल नहीं है कि अभी तुरंत ये नीचे चला जाएगा, इसीलिए आधा रखिए, कोई ऊपर में एक्सकर्शन हो और उसमें 180 का आंकड़ा पार नहीं करे तब आप पूरा ही बेच दीजिए, अभी आधा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? विनय जी देखिए, मेरे नजर है B2 पे, और उसमें से बजाज फिनसर्व देखिए, मुझे लगता है एक बेहतरीन ब्रेकआउट मिल रहा है, जो पैटर्न है दैट्स अ फॉलोइंग चैनल, और जिसका ब्रेकआउट मिला था 1560, सो 1565 प्रोबेबली, क्योंकि बहुत जल्दी में बढ़ रहा है, तो 1570 के स्टॉप लॉस के साथ बजाज फिनसर्व को लॉन्ग करें, इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा 1620 का। ओके, बजाज फिनसर्व, ये एक आपकी पिक हो गई। अमित जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस समय का? जी, मेरी नजर जिंदल स्टील पे है, इसमें एक बुलिश प्रोगैप कैंडल आज बनी है, फॉलोइंग ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने, और अपने 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लगभग 660-670 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था, वहां पे स्टॉक ने अच्छा खासा कंसोलिडेट किया, करंटली प्राइस 697 का है, मुझे लगता है इसमें 720 के टारगेट्स एक से दो दिनों में पॉसिबल है, स्टॉप लॉस इसका लगभग रखूंगा 687 का। बिल्कुल, मैं सोच ही रहा था कि अब तक किसी ने ये लिया क्यों नहीं, क्योंकि मेरी सुबह सुबह नज़र इस पर गई थी, आज मेटल्स में तेजी है, फेरस मेटल्स में, और इसमें सबसे हाई बीटा यही स्टॉक है। ध्यान रखिए, ये प्योर मोमेंटम प्लेज होते हैं, इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी होता है, लगा तो लगा, नहीं लगा तो 5-6% के इंट्राडे मूव्स ही मिल जाते हैं इन स्टॉक्स में, तो ये इस समय एक जिंदल स्टील पर एक ट्रेड। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।